माय चैनल एवरीडे इकोज यात्रे। आज फिर से लेके आई हूँ और एक नया व्लॉग के साथ। आज है संडे मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग एकदम बहुत सुंदर सा वेदर था, बहुत अच्छा था वेदर और क्लाइमेट्स, और उसके साथ साथ एक बहुत अच्छे से गुड न्यूज़ मिला। मेरा जो यहाँ पे मौसी रहते हैं, मौसी का बेटा का बेटी हुई है, मतलब घर में आई है महालक्ष्मी। तो महालक्ष्मी को देखने के लिए तो अब जाना पड़ेगा। तो मेरा घर का बगल में ही था फर्स्ट क्राई। फर्स्ट क्राई में जाके वहाँ पर न्यू बॉर्न बेबी के लिए ड्रेसेस खरीद ली, और जब मैं घर खरीद रही थी ड्रेसेस, उस टाइम पे याद आ रहा था रिद्धि का बचपन। तो रिद्धि का मतलब बचपन में वो यहीं से ड्रेसेस लेके जाते थे उसके पापा। मैं तो उस टाइम पे निकल नहीं पाती थी, बट उनके पापा एकदम चॉइस कर करके अपने बेटी के लिए बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस लेके जाते थे। तो वही उनके पापा बोल रहे थे रिद्धि इज़ ग्रोइंग सो फास्ट। हम लोग आँखों का सामने सच में रिद्धि अब काफ़ी बड़ी हो जा रही है। और इस दुकान में मिल जाएगा आप लोगों को बच्चों का हर चीज़, मतलब न्यू बॉर्न से लेके वन ईयर टू ईयर्स कि बच्चे लोगों का हर चीज़ मिल जाएगा। एक दुकान में अगर हर चीज़ मिल जाएगा तो मतलब इधर उधर दौड़ना भागने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इन लोगों का क्वालिटी भी बहुत अच्छा होता है, और छोटे बच्चे का हर सामान मिल जाता है यहाँ पे। शूज़ भी देखिए कितना क्यूट क्यूट छोटू छोटू सा। और मैंने ना उस बेबी के लिए बैंड्स भी खरीदी हूँ, हेड बैंड्स। और चलिए ड्रेस हेड बैंड सब कुछ ले ली हूँ, और फिर शाम को जाऊंगी उस छोटी बेबी को देखने के लिए। और इस दुकान का जो स्टाफ्स लोग से बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है और बहुत हेल्पफुल है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और सच में ये लोग बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग भी ख़रीदने के लिए अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो यहाँ से खरीद सकते हैं फर्स्ट क्राई से। फिर रिद्धि को प्यास लगा तो बोले कि टेंडर कोकोनट वाटर पीना है, अच्छा पी लो जाओ, बाहर में बहुत धूप भी था। हम लोग कोकोनट वाटर पी के फिर आई हूँ संसार में। संसार हाइपर मार्केट ये मेरा घर का एकदम नज़दीक में है। तो हम लोग मंडे मॉर्निंग के जो नाश्ता में बनेगा स्कूल के लिए, ऑफिस के लिए, यही सब का इंतज़ाम करने के लिए गई थी। थोड़ा सा ब्रेड, थोड़ा सा इडली बैटर लेने के लिए आती हूँ तो दो चीज़ें, पर लेके जाती हूँ चार चीज़ें। तो यहाँ ये है स्टोरेज आइटम्स, यहाँ पे कर्ड से लेके बटर से लेके चीज़ और सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पे मुझे इडली बैटर का डोसा का जो बैटर होता है वो भी मिल गया है बस। और यहाँ पे आप कुछ ड्रिंक्स यहाँ पे देख सकते हैं, और ये सब स्टोरेज आइटम्स है। चलिए आज मैं लेके जाऊँगी और एक जगह पे। देखिए ये जो इन लोग का जो दुकान है, ये प्रॉपर बंगाली शॉप नहीं है, बट इन लोग का दुकान में भी एक्टुग्रो बांग्ला एखाने रहे थे, छोटा सा एक बंगाली सेक्शन यहाँ पे भी है। देखिए यहाँ पे मुखरोचक चनाचूर से लेके गोविंदभोग चाल, जेके पोस्तों से लेके सनराइज का मसाला, झरना घी से लेके जेके पोस्तो, और डिफरेंट टाइप का बड़ी, जितना जो बड़ी हम लोग सब्जी का साथ मिक्स करके खाते हैं, चोरुंगी लेन का बड़ी, सब कुछ। और गोविंदभोग राइस चोरुंगी लेन का ही है। अनबॉक्स सिटी ऑफ जॉय से लेके बर्धमान का मुड़ी तक सब कुछ मिल जाता है। कोलकाता से बर्धमान पूरा वेस्ट बंगाल का सारे चीज़ यहाँ पर मिलता है। मूंग दाल, मसूर दाल, सोना मसूरी, सोना मूंग, एवरीथिंग। और सारे मसाला स्पाइसेस काशुंदी से लेके सब कुछ स्नैक्स एक टुकड़ो बांग्ला एखाने रोए छे। बंगाली लोगों का इतना आना जाना हो गया है, मूढ़ी खोई ये सब भी ये लोग रखे हैं। बेंगलोर में बंगाली लोग इतना बढ़ गया है ताकि दूसरा दुकान में भी एक थोड़ा सा कॉर्नर में बंगाली लोगों के लिए जो सामान आता है वो भी रख दिए। इसीलिए हम लोग का थोड़ा इजी भी हो गया है, घर के सामने हाथों का सामने हर चीज़ मिल जाता है। ये है ग्रेन सेक्शन। यहाँ से मेरा घर का मतलब काबली छोला ख़त्म हो गया तो वो मैं ले ली, और थोड़ा सा एग्स, थोड़ा सा सब्जी, ताकि 5 दिन हम लोग को निकलना ना पड़े। मंडे टू फ्राइडे हम लोग को मुंह उठा के देखने का भी टाइम नहीं होता है। यहाँ से फ्रेश मैंगोज़ का सीज़न अब ख़त्म होने वाला है, फटाफट करके सब कुछ ले ली। और मैं थोड़ा सा ली हूँ जैकफ्रूट, राइप जैकफ्रूट। चलिए अब बिलिंग विलिंग हो गया है, उसके बाद फिर हम लोग घर वापस आए। घर आके खाना वाना बना ली, और उनके पापा ने बोले, जिया के पापा ने बोले मैं ऑमलेट बनाऊंगा, क्योंकि कुछ दिन से बहुत हेवी खाना भी हो रहा था। तो ऑमलेट बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत ही अच्छा। ये जो आप देख रहे हैं स्प्रेड कर दी, उसके बाद ढक्कन दे दी, उसके बाद पूरा फ्लॉपी टाइप का बन जाता है ऑमलेट। देखिए ऑमलेट कैसा बना है, देख के ही मन करेगा खाने के लिए। सुस्वादु से लेके आई थी गंधराज लेबू, थोड़ा सा ड्राइस दाल, चिंगड़ी और काकड़ोल का सब्जी, ऑमलेट
और था मैंगो चटनी और भुजिया, भिंडी आलू का भुजिया और मैंगोज। बस संडे बहुत अच्छे से बीता। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेके हम लोग निकल पड़े छोटू सा बेबी, न्यूबॉर्न बेबी को देखने के लिए। आज मौसी का भी और दो जो बहन है वो लोग भी जमशेदपुर से आज ही सुबह को आए हैं। बहुत दिन के बाद उन लोगों के साथ भी मिलूंगी। मेरा बैंगलोर में काफ़ी सारे रिश्तेदार रहते हैं, जैसे ससुराल वाले रहते हैं वैसा मेरे मायके वाले भी रहते हैं। ये हैं मालाथली ब्रिज क्रॉस करके हम लोग जा रहे हैं। दूर में देख सकते हैं KLM मॉल, ये है फेमस मॉल। ये फेमस इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे इस फुल जो मॉल दिख रहे हैं ये पूरा लाइटिंग डिजिटल लाइट में भरा है, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न चेंज होते रहता है, तो रिद्धि इसको देख के बहुत मज़ा लेती है। हम लोगों को भी देखने में अच्छा ही लगता है, बहुत अच्छे से, मतलब ये ट्रैफिक में खड़े हो के टाइम पास हो जाता है कि वो पैटर्न देखते देखते। बट कुछ कुछ कलर्स इतना ब्राइट कलर्स होते हैं, बहुत आँखों में लगता भी है। तो चलिए अब ट्रैफिक तो खुल गया है, KLM मॉल का पैटर्न्स लाइट्स देखते हुए हम लोग क्रॉस कर रहे हैं मालाथली जंक्शन। उसके बाद पहुंच गए हैं HL का। ये जो दोनों साइड में पेड़ है ना, ये वाला रास्ता बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो HL का यहाँ पे क्रॉस कर गई। उसके बाद इंद्रानगर जैसे ही पहुँची तो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक हो गई हूँ क्योंकि 100 फीट रोड में था मेरा पुराना ऑफिस। तो यहाँ पे बिफोर रिद्धि हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत घूमते थे, फिरते थे, खाना खाते थे, बहुत मस्ती करते थे इंद्रानगर में। इंद्रानगर का एनवायरनमेंट बहुत सुंदर है, आज के डेट में भी बहुत पेड़ पौधा है, इसीलिए देखने में बहुत अच्छा लगता है। चलिए हम लोग पहुँच गए हैं आयंस हॉस्पिटल, यहीं पे है न्यूबॉर्न बेबी। ये है न्यूबॉर्न बेबी का केबिन, बट हम अंदर में नहीं दिखाऊंगी, फेस रिवील अभी तक नहीं होगा। ये है न्यूबॉर्न बेबी का पापा, बहुत खुश है, प्राउड पापा। मिलके सबके सब मिलके बहुत अच्छा लगा। बेबी भी बहुत अच्छे हैं, बेबी का मम्मी भी बहुत अच्छे हैं। सब बहुत अच्छे से घर पहुंच जाए उसके बाद फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उसके बाद फिर वहां से हम गए मौसी से मिलने के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल में ज़्यादा देर तक रुकने के लिए नहीं दे रहे थे, इसीलिए मौसी लोग भी आ गए थे घर। तो जब घर जा रही हूँ इतने दिन का बाद, तो आनंद भवन से थोड़ा मिठाई लेके जा रही हूँ। और उसके साथ साथ ये एक कैफ़े में मुझे दिखा रास्ता में, बहुत सुंदर है डिज़ाइन, बहुत अच्छे से, मतलब स्टूडियो कैफ़े काइंड ऑफ देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। इंद्रानगर का अंदर से जब जा रही थी बहुत अच्छा लग रहा था। और ये है निगम भिला जहाँ पे मेरे मौसी का घर है। ये लोग इंद्रानगर में भी एक घर है और उन लोगों का सरजापुर में भी और एक घर है। जिस दिन मैं सरजापुर वाला घर में जाऊँगी उस दिन वहाँ का फोटो वीडियो आप लोगों को दिखाऊँगी। ये है मौसी, छोटी मौसी, उसके बाद उनके बड़ी मौसी हैं और जिनके घर में आई है महालक्ष्मी, वो है ब्लू कलर जो दुपट्टा है, बिलू मौसी का घर में आए हैं महालक्ष्मी, और बाकी जो दो मौसी है ये उनका बहन है। तो बहुत अच्छा लगा, यही लोग मतलब उसी दिन जमशेदपुर से ट्रैवल करके आए हैं। तो यहाँ पे जम गया है पूरा अड्डा, बहुत दिन का बाद बहुत मस्ती कर रही हूँ, बहुत बातें हो रहा था, कितना पुराना बातें मतलब रह गया था जो कल मतलब बोली हूँ, बात कर रही थी, इतना अच्छे से अड्डा मारी मौसी लोगों का साथ, भैया का साथ, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। हम लोग का जो इवनिंग था वो एकदम बहुत अच्छे से बीता। फिर हम लोग इनवाइट की, तो बिलू मासी नहीं आ पाएंगे क्योंकि बेबी को लेके फिर उसको मम्मी नहीं मतलब संभाल नहीं पाएंगे, तो मौसी बाद में आएंगे। दोनों मौसी को मैं बुला ली और मेरी मामी माँ रहते हैं, मामी माँ के बहन है ये लोग, तो मामी माँ को भी इन्वाइट करूँगी मेरा घर में। तो उससे पहले रिद्धि कर रही है इन्वाइट। चलिए तो आज का इवनिंग बहुत अच्छा लगा और मेरा परिवार का साथ मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा था। आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। कल मंडे है, फिर स्कूल ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा, फिर मुलाकात होगा नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर कीजिए, और जो लोग नए हैं ऑफकोर्स सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, तभी जाकर नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए तब फिर मुलाकात होगा नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।